दोस्तों इस विज्ञापन में हम बात करेंगे UPHESC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 51 के बारे में। A to Z यहाँ पर सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। साथ में पदों की संख्या के बारे में भी यहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो किसी और वीडियो को की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित बातें। तो 9 जुलाई 2022 से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, 7 अगस्त तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 8 अगस्त तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं और 10 अगस्त तक आप लोग यहां पर फाइनल रूप से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस विज्ञापन में जो पदों की संख्या कुल मिलाकर के 917 पद हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको पद संख्या बाद में बताऊँगा, वीडियो को अंत में आप देखिएगा, ठीक है, अंत तक देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा स्वैच्छिक अर्ता फीस वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के 2000 रुपये है, EWS के लिए 2000 है, OBC के लिए 2000 है, SC ST के लिए 1000 रुपये शुल्क है, प्लस जो इसमें आपका GST वगैरह लगेगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, पदों की संख्या 2000 यहाँ पर है और जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा केवल UP के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, और आवेदन यहाँ पर जो भी महिलाएं करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि आपको यहाँ पर पिता पक्ष से ही जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लें, आपका जो रिजर्वेशन का अगर लाभ लेना है तो आपको फादर साइड से ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। सैलरी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मिनिमम आपको ग्रेड पे मिलेगा वो आपको 6000 रुपये है और वेतनमान मिलेगा 15600 से 39100। सिंपल शब्दों में बताऊं तो कम से कम 90000 से आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग होगी, ठीक है। बहुत लोग आयु सीमा को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगर आप 62 साल से कम हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष यहाँ पर आवेदन करने के लिए दी गई है। अब ये आयु सीमा काउंट कब से की जाएगी, तो आवेदन करने की जो अंतिम डेट है उस तारीख से आप 62 वर्ष के मिनिमम मतलब अधिकतम होने चाहिए। तो कि यहाँ पर देखो, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महिलाओं के पक्ष में जो है पिता पक्ष से ही निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। अब यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में वर्णन है, तो मैं इसको समझा देता हूँ आसान शब्दों में। यहाँ पर देखिए, दो प्रकार की शैक्षिक अर्हता दी गई। पहला यहाँ पर बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी जो आर्ट स्ट्रीम से आए, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस या साइंस, इन स्ट्रीम से संबंधित हैं, ठीक है, तो उनके लिए है। और लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इनसे संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए अर्हताएँ देखिए, ए और बी दो प्रकार की अर्हताएँ दी गई हैं, तो इसमें से कोई भी आपके पास होनी चाहिए। पहला यहाँ पर यह बोला गया कि मास्टर्स डिग्री आपका कम से कम 55% नंबर के साथ होना चाहिए। साथ में बोला गया कि आपका नेट, सेट या स्लेट, इनमें से कोई एक परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे UGC और CSIR नेट परीक्षा का आयोजन करते हैं, तो ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी PhD किए हुए उनके बारे में वर्णन देखो है कि जो अभ्यर्थी PhD किए हुए हैं उनको यहाँ पर नेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हैं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम प्रियर टू July 11, 2009 शैल बी गवर्नमेंट गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस बाई लॉस रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवार्डेड द डिग्री एंड सच PhD कैंडिडेट्स शैल बी एग्जेम्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट, स्लेट या सेट। तो ये बातें समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। PhD जो अभ्यर्थी 11 जुलाई 2009 के पहले के हैं उनको यहाँ पर छूट रहेगी। अब PhD जो आपने किया होगा उसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ये कंडीशंस भी आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस ABCD में करके यहाँ पर पॉइंट वाइज दी गई हैं। पहला बोला गया कि PhD डिग्री जो आपने किया हो वो रेगुलर मोड पर होनी चाहिए और उसमें कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा जो आपका इवेल्यूएटेड होना चाहिए थीसिस आपकी, और PhD लिखा है ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, यानी ओपन PhD वाइस वोस हैज बीन कंडक्टेड, ये होना चाहिए। और भी चीज़ें हैं तो इनको आप देख लीजिएगा।
और कम से कम लिखा है कि दो रिसर्च पेपर आपके पीएचडी वर्क के रूप में पब्लिश होने चाहिए। तो ये कंडीशंस है पीएचडी के लिए। इसी तरीके से बी पॉइंट में देखेंगे तो बी पॉइंट में यहाँ पर मेंशन है समकक्ष अर्हता है, तो जो भी अभ्यर्थी अगर आए हैं तो वो यहाँ पर देख लें। इसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें बतानी है, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट पर यहाँ बताया गया जो अभ्यर्थी म्यूजिक से हैं या परफॉर्मिंग आर्ट से हैं या विजुअल आर्ट से हैं और अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स लाइक स्कल्पचर वगैरह से हैं, उनके लिए यहाँ पर अर्हता क्या है। यहाँ पर भी 55% की रिक्वायरमेंट पीजी मांगी गई है, साथ में नेट सेलेक्ट या सेट या हम पर ये भी मांगा गया, पीएचडी वगैरह को छूट रहेगी जैसा कि मैंने ऊपर बताया। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस यहाँ पर नीचे दी गई हैं, तो इनको आपको अच्छे से समझना होगा, ये जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है उनको पीजी में 5% की छूट रहेगी। तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा है ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, इन लोगों को या जो डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है उनको यहाँ पर छूट रहेगी 5% की, मतलब 55% है उनको केवल 50% चाहिए होगा। साथ में यह भी बोला गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और उन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले किया हुआ है, ठीक है, मास्टर डिग्री, तो उनके लिए भी 5% की यहाँ पर पीजी में छूट रहेगी, तो उनके लिए भी 50% ही रहेगा। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट कम्बिनेशन वगैरह के बारे में बताया गया कि जो अभ्यर्थी भाषा विज्ञान से अगर पीजी किए हुए तो वो भी हिंदी विषय के लिए पात्र होंगे। इसी तरीके से लिंग्विस्टिक विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग या अप्लाइड इंग्लिश से किए तो वो भी अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है, इसको अंतः संबंध इन्होंने बोला है, अंतः संबंध विषय। तो अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं, आपने इसे किया हुआ है, तो इस टेबल को आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो 6.2 पर दी गई है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित है, मैं अभी बता दूँगा कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और परीक्षा की कोई भी डेट अभी जारी नहीं की गई है, तो ये मान लीजिए परीक्षा की डेट जैसे ही जारी होगी तो चैनल के माध्यम से हमारे आपको बता दीजिएगा और इसकी सूचना आपको ईमेल एसएमएस समाचार पत्र वेबसाइट के माध्यम से भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात आती चयन का आधार यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब लिखित परीक्षा कैसी होगी, तो यहाँ पर बोला गया लिखित परीक्षा जो होगी वैकल्पिक होगी, मतलब ऑप्शनल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इस पेपर में आपसे सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय के वैकल्पिक जो विषय होगा आपका उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, यानी जो सामान्य ज्ञान रहेगा सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी रहेगा और वैकल्पिक विषय वो रहेगा जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया होगा। जैसे सपोज कर आपने मैथ से आवेदन किया तो जीएस प्लस मैथ के क्वेश्चन आपके आएंगे। अब कितने कितने क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो लिखित परीक्षा होगी आपकी 200 नंबर की होगी, सामान्य ज्ञान इसमें आएगा 60 नंबर का और वैकल्पिक जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा आपका 140 नंबर का। तो कुल मिलाकर के 200 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा हो गई, इसके बाद 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर जो होगा 230 प्रश्न के हिसाब से फाइनल मेरिट बनने की और परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्क्स की बात। क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे और वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रश्न होते हैं 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और जो यहाँ पर आपका पेपर होगा यानी एक क्वेश्चन होगा वो एक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा। इस तरीके 100 प्रश्नों का 200 अंक आपका लिखित परीक्षा का हो जाएगा, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जो आपकी परीक्षा होगी लिखित वाली तो उसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होगा। आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी रह रहे हो आपको प्रयागराज आना पड़ेगा एग्जाम देने। इसके अलावा बताया गया कि जो अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे तो जब इंटरव्यू होगा उस समय इनको फीस अलग से पे करनी पड़ेगी, जिसके बारे में बोला गया कि सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 800 रुपये, एससी एसटी के लिए 400 रुपये, ये आपको आयोग कार्यालय में नगद जमा करना होगा। इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है,
तो ये बाद की बातें हैं। फिलहाल अभी आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, तो अभी आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। बाकी जब इसका इंटरव्यू होगा तो इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो मतलब बाद में वीडियो बना ही देंगे। अब यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में देख लो, तो यहाँ पर बता देता हूँ पदों की संख्या। अंग्रेजी 62 पद हैं कुल मिलाकर के, अर्थशास्त्र 66 पद हैं, इतिहास 25 पद, उद्यान विज्ञान 3 पद, उर्दू 8 पद, एशियन कल्चर 1, कृषि अर्थशास्त्र 3, गणित के 24 हैं, गृह विज्ञान के 10 हैं, चित्रकला 9 है, दर्शन शास्त्र 5 है, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 5 है, प्राचीन इतिहास 19, प्राणी विज्ञान 33, बीएड के 75 हैं, भूगोल के 47 हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर भूगोल हो गया, भौतिक विज्ञान के 40 हैं, मनोविज्ञान 17 पद हैं, मानव शास्त्र 4 पद हैं, रसायन विज्ञान 70 पद हैं, राजनीति विज्ञान 44 पद हैं, इसके बाद वनस्पति विज्ञान 48 पद हैं, प्राणी विज्ञान 49 पद हैं, विधि के 8 पद हैं, शारीरिक शिक्षा के 13 पद हैं, शिक्षा शास्त्र 25 पद हैं, संगीत गायन 10 पद, संगीत तबला 3 पद, संगीत सितार 4 पद, संस्कृत के 43 पद, सामान्य शास्त्र के 42 पद, सांख्यिकी 2 पद, सैन्य विज्ञान 21 पद, और सबसे ज़्यादा जो पद है वो हिंदी के 80 पद। कुल मिलाकर के 917 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या दी गई, साथ में यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कॉलेज वाइज भी पदों का संख्या दिया गया है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी का किस विषय के पद हैं। तो यहाँ पर कॉलेज वाइज भी पदों की संख्या आप लोग दे सकते हैं और अपने सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरी 58 पेज की PDF है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, सारा कुछ यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। अब रही बात यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं governmentjobcenter.com। ठीक है, governmentjobcenter.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में इसका फॉर्म मिल जाएगा, 9 जुलाई से यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ये जो नोटिफिकेशन है वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं अंत में सिलेबस को लेकर के। देखिए GS का सिलेबस आपका अलग होगा, GS सबके लिए कॉमन है, और यहाँ पर जितने भी विषय की वैकेंसी आई है तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो governmentjobcenter.com पर अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में कोई परिवर्तन है, जो पिछला बार सिलेबस था वही इस बार का भी सिलेबस है। तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब सेंटर में सिलेबस के सेक्शन से सभी विषयों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में GS का भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर गूगल सर्च करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।